गोरखपुर में बसपा के पूर्व सांसद प्रत्याशी जावेद सिमनानी के नेतृत्व में नगर निगम के द्वारा महानगरवासियों से ज्यादा टैक्स वसूली के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में पूर्व सांसद प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने बताया कि नगर निगम के द्वारा मनमाना ढंग से टैक्स वसूला जा रहा है और जो टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है उसमें किसी भी सक्षम अधिकारी का साइन नहीं है और न ही मोहर है। जीआईएस द्वारा कराया गया सर्वे असंवैधानिक व अनैतिक है। जीआईएस निजी कंपनी ने 35,000 मकान जिनका कर पहले से दिया जा रहा है, ऐसे मकान को नया कर टैक्स लगा दिया गया है जो कि अनैतिक है। जीआईएस निजी कंपनी की रिपोर्ट नगर निगम के सदन में नहीं रखा गया है जो कि ना सदन के पास करवाया गया है जो कि अनैतिक है। नगर निगम द्वारा जहां सीवर नहीं है वहां सीवर का टैक्स लगा दिया गया जो कि अनैतिक व संवैधानिक नहीं है। नगर निगम द्वारा जहां जलपूर्ति नहीं है वहां भी जलकर टैक्स लगा दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा जहां 12 मीटर से कम रोड है वहां पर भी 24 मीटर रोड वाला टैक्स लगा दिया गया है। नगर निगम के सदन में पार्षद द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी भी सरकारी संस्था से पूर्ण सर्वे कराया जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने बताया, पूर्व महानगर में नगर निगम द्वारा अवैध टैक्स वसूली बंद कराने के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। गोरखपुर महानगर में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो अवैध रूप से जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जो गैर संवैधानिक टैक्स है, ये जो टैक्स पहले 252 रुपया आता था उसको बढ़ा के 22,000 कर दिया, 25,000 कर दिया। जीआईएस एक प्राइवेट कंपनी द्वारा इन्होंने पूरे महानगर का सर्वे कराया है जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और गलत है, और महानगर वासियों पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स महानगर के सम्मानित पार्षदों से प्रस्ताव बिना पास कराए हिटलरशाही रवैया अख्तियार करते हुए यहां के नगर आयुक्त ने जो हिटलरशाही का काम किया है और महानगर वासियों पर 20-20, 50-50 गुना अधिक टैक्स लगा दिया है, उस टैक्स को वापस करने के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। और अगर महानगर के अधिकारी और नगर निगम सचेत नहीं हुआ और टैक्स वापसी नहीं की तो हम लोग इस आंदोलन को और धार देंगे। हमारा अगला कार्यक्रम और भी सख्त होगा और हम लोग किसी भी कीमत पे महानगर वासियों के ऊपर अतिरिक्त टैक्स भार बढ़ने नहीं देंगे।